नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देखते हैं आने वाला सितंबर महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए इस महीने की शुरुआत में पहले 15 दिन थोड़े टफ साबित होंगे। आधी व्याधि उपाधि सब का सामना आपको करना पड़ेगा। मित्रों, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। किसी दूसरे के लिए आपके जीवन में अशांति हो सकती है। कोई आदमी आपका चला जाए, कोई व्यापारी छूट जाए, कोई अच्छा कस्टमर आपसे छूट जाए, या फिर आपके नज़दीकी संबंध कहीं बिगड़ जाए, ये सब चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो शुरुआती दौर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है, पर इस समय में आपको परिवार के साथ रहना है, परिवार को अपने साथ रख के चलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सब समय आप आराम से पार कर सकोगे। इस समय में आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट हो सकता है, शायद आप थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील करो। बिजनेस में, नौकरी में अपनी थोड़ी जो प्रोग्रेस है वो रुकती हुई दिखे, लेकिन ज़रा भी डरना नहीं है, आराम से वो सब समय निकल भी जाएगा और आप आगे भी जा पाओगे। जो लोग शेयर बाज़ार से जुड़े हुए उन लोगों को इस समय में संभल के काम करना है, इन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। तो मित्रों, इस समय में ऐसा कोई सौदा ना करें जिसमें आपको लंबा चौड़ा नुकसान हो सके। इसके अलावा मेटल से जुड़े हुए लोगों को भी इस पर ध्यान देना है कि भाई उसमें भी कुछ अप डाउन्स हो सकते हैं, तो इस पर भी अपना ध्यान बनाए रखना। जो लोगों कागज़ से जुड़े हुए, कपड़े से जुड़े हुए, उन लोगों को भी इस समय में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन जैसे ही 20 सितंबर के तारीख जाएगी उसके बाद धीरे 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 कर्क राशि वाले के लिए बहुत अच्छा समय भी आने वाला है और धीरे धीरे वापस आपका जो रुका हुआ काम है वो वापस शुरू होगा और आप अपना काम बहुत आराम से कर भी पाओगे, मुनाफा भी कर पाओगे और जो रुके हुए काम थे उसको पूरा भी कर पाओगे। और इसके बाद जो लोग सीजनल बिजनेस करते हैं उन लोगों का भी काम बहुत अच्छा रहेगा और धीरे धीरे पैसा आने से आपके जीवन में वापस हरियाली आ जाएगी। तो मित्रों, जब ख़राब समय आने वाला है तब संभल कर चले, परिवार को साथ रखे, परिवार के साथ रहे, बस यही आपको करना है। और सोच समझ कर ठंडे दिमाग से आप जो भी डिसीजन लो वो ठंडे दिमाग से लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मित्रों, अब देखते हैं इस महीने आपको क्या उपाय करने हैं। तो मित्रों, आपको दूध का दान करना है, किसी गरीब मजदूर को दूध पिलाना है, माता की सेवा करनी है, माता के आशीर्वाद लेने हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो माँ के हाथ से चावल लेके चांदी की डिब्बी में भर के अपने पास रखिए, मन भी शांत रहेगा और आपका फाइनेंशियली मैटर आपका सुलझा रहेगा। तो मित्रों, ये वीडियो आप लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब देखने वाले शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले महीने नए महीने की पूरी जानकारी के साथ। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।